तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ अपने Redmi Note 6 Pro में एक MIUI 18 ग्लोबल स्टेबल रोम की अपडेट देखने को मिली, आज ही मिली है, जिसका वर्जन है 10.3.2.0 की। तो इसके रिगार्डिंग में गाइज मैंने आज इन्फॉर्म कर दी थी और सबसे पहले मैंने ही आप लोगों को उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाकर बताई थी कि Redmi Note 6 Pro की डिवाइस में ग्लोबल स्टेबल रोम की अपडेट मिलनी स्टार्ट हो चुकी है और वो अपडेट एंड्रॉयड पाई बेस्ड है। जी हाँ दोस्तों, Redmi Note 6 Pro की डिवाइस में स्टेबल में अब हम लोगों को एंड्रॉयड पाई की अपडेट देखने को मिल गई है। मैं आप लोगों को सिस्टम अपडेट में जाकर दिखा देता हूँ, चेक फॉर अपडेट करता हूँ, तो मुझे अभी OTA देखने को नहीं मिल रही है। हो सकता है गाइस आप लोग जब चेक करेंगे तो आप लोगों को OTA देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये जो अपडेट आती है, जो फर्स्ट फेज में अपडेट आती है गाइस, ये कुछ रैंडम यूजर्स को देखने को मिलती है, कुछ सिलेक्टेड यूजर्स को देखने को मिलती है बीटा टेस्टिंग के लिए। अब आप लोग ये भी बोल रहे हैं कि आपके डिवाइस में अपडेट आई थी, कुछ देर के बाद ये अपडेट रिमूव हो गई। तो जी हाँ दोस्तों, ये अपडेट कुछ रैंडम यूजर को दिया जाता है, कुछ टेस्टिंग पर्पस के लिए दी जाती है। तो अगर आप लोग अपने फोन को अपडेट नहीं करेंगे या फिर अपडेट करने के बाद आप लोग छोड़ देंगे, आप लोग सोचेंगे कि हम बाद में रिबूट करेंगे, तो उस केस में भी गाइस ये वाली अपडेट आपके डिवाइस से रिमूव हो जाएगी। अगर आप लोग अपडेट करना चाहते हैं तो इंस्टेंट अपडेट कर लिए अगर आपको OTA देखने को मिली है, और अगर OTA देखने को नहीं मिली है गाइस, तो मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग इसे अपने फोन में अपडेट कर सकते। सब्सक्राइब कीजिए OnlyTalk चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर पाइए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो प्लीज मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो अगर सेटिंग में गाइस लिया, मैं अबाउट फोन में आप लोगों को दिखा देता हूं, तो आप देख सकते हैं यहां पर सिस्टम अपडेट में कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिली और MIUI वर्जन आप लोगों को देखने को मिल जाएगी 10.2.2.0 की। तो गाइस लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना। सिस्टम अपडेट में जाकर 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। मैं बार बार आप लोगों से बताया हूँ गाइस, अगर आपके डिवाइस में इस चूज अपडेट पैकेज की ऑप्शन नहीं आती है तो इसे कैसे एनेबल करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चूज अपडेट पैकेज की ऑप्शन मुझे देखने को मिल गई है। अब गाइस मैंने जहाँ भी इस फाइल को सेव किया, देख सकते हैं वाली फाइल है, इसे मैं क्लिक करके अपने फोन को ओके कर देता हूँ। हो सकता है गाइस यहाँ पे मेरा फोन अपडेट हो जाए, या फिर हो सकता है आप लोगों को यहाँ पे एरर देखने को मिले कि ये रोम अभी बीटा टेस्टिंग में है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या एरर देखने को मिलती है या फिर अपडेट होती है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे मुझे अपडेट, योर डिवाइस विल रिबूट ऑटोमेटिकली टू अपडेट MIUI वर्जन HM Note 6 Pro ग्लोबल वर्जन 10.3.2.0 आ रहा गाइस। पी का कोड है, मतलब आई बेस्ड है। हो सकता है गाइस आप लोग अगर ये सेम मेथड ट्राई करें तो मे बी आपके डिवाइस में एरर देखने को मिले, बीटा टेस्टिंग बोलकर आपके फोन में ये फ्लैश एरर हो जाए। तो अगर आप लोग इस लिंक से डाउनलोड करेंगे तो आप लोग उसकी एक कॉपी बना लें। अब गाइस मैं इसे रिबूट एंड अपडेट करता हूँ। अगर आप लोग स्टेबल पे हैं और इस रोम को फ्लैश करते हैं तो आपके कोई भी डाटा लॉस नहीं होगी, लेकिन अगर आप लोग बीटा से स्टेबल पे आएंगे तो आपके डाटा इरेज हो जाएगी। और गाइस मैं साथ साथ ये भी आप लोगों को बता दूं कि बीटा में पाई देखने को मिलती है और स्टेबल में अभी हम लोगों को ओरियो ही देखने को मिलती है, क्योंकि 10.3.2.0 की अपडेट अभी ऑफिशियल रिलीज नहीं हुई है, बीटा टेस्टिंग में है। ऑफिशियल जब तक रिलीज नहीं होगी तब तक आप लोग बीटा, पाई बीटा से स्टेबल ओरियो पे अपडेटर के मेथड से नहीं आ सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को मेरी ये वाली वीडियो देखनी पड़ेगी और इस स्टेप्स को फॉलो करनी पड़ेगी। लेकिन गाइस जैसे ही अपडेट हम लोगों को ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी, तब हम लोग इजीली अपने डिवाइस को बीटा से स्टेबल और स्टेबल से बीटा कर सकते हैं, क्योंकि दोनों डिवाइसेज में, दोनों रोम में हम लोगों को फिर पाई देखने को मिलेगी। आई विल बी राइट बैक आफ्टर द अपडेट। फाइनली दोस्तों, मैंने अपने Redmi Note 6 Pro को अपडेट कर लिया है। कैसे मैंने अपडेट किया आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बताई है, आप लोग उस स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं, जो मैंने कहा आप लोग वही फॉलो करिएगा, वैसा ही करिएगा। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर मॉडल नंबर Redmi Note 6 Pro देखने को मिल जाती है, MIUI वर्जन 10.3.2.0 की देखने को मिल जाती है, और एंड्रॉइड वर्जन गाइस सबसे बड़ी चेंज हम लोगों को देखने को मिलती है, एंड्रॉइड वर्जन ब्रांड न्यू इंटरफेस हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल गई है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को स्टेबल में पाई देखने को मिल गई है, पहले बीटा यहाँ पाई थी काफी दिनों के बाद, करीबन एक महीना के फुली टेस्टिंग के बाद स्टेबल में पाई देखने को मिली। लेकिन गाइस जितनी भी फीचर्स मैं आप लोगों को इसमें बता दूं, स्टेबल में देखने को मिली है गाइस, ये करीबन हम लोगों को 2-2.5 महीना पहले की फीचर्स देखने को मिली, जो ऑलरेडी बीटा में देखने को मिल गई है। फिर भी गाइस स्टेबल की अपडेट है, बहुत से लोग स्टेबल को यूज़ करते हैं, तो मेरा फर्ज बनता है आप लोगों को इसके बारे में ऑनेस्ट रिव्यू देने की। और गाइस इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को इसकी फुल रिव्यू भी देने वाला हूँ, बैटरी की परफॉर्मेंस कैसी देखने को मिलेगी, कैमरा की क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, सारी डिटेल्स आप लोगों को देखने को मिलेगी अपकमिंग वीडियोस में। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो सबसे पहले चीज़ गाइस मैंने आप लोगों को दिखा दी कि एंड्रॉइड वर्जन हम लोग को पाई देखने को मिल जाती है, उसके बाद गाइस एंड्रॉइड की सिक्योरिटी पैच 5/4/2019 की देखने को मिल गई है, जबकि बीटा में हम लोग को 5/5/2019 की देखने को मिलती है, MIUI वर्जन आप लोगों को 10.3.2.0 देखने को मिल जाती है। और गाइस अबाउट फोन में मैंने आप लोगों को बहुत पहले ही बता दी थी कि 10.3 की सीरीज स्टार्ट होने वाली, जो ऑलरेडी हो चुकी है। इसके अलावा गाइस आप लोगों को सबसे बड़ी चेंज देखने को मिलेगी, यहाँ पर आप लोगों को मी पे की एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी, और ये भी गाइस काफ़ी पुरानी ओल्डर वर्जन देखने को मिलती है बीटा। अगर आप लोग मेरी बीटा वाली वीडियो को देखे होंगे तो उसमें हम लोगों को नए
नया आइकन मी पे में देखने को मिल जाती है और नई इंटरफेस मिल जाएगी मी पे की। इसके बाद हम लोग इमरजेंसी SOS की सर्विस भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं ऐप वर्ल्ड में गाइस लिया गया। अगर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ गाइस, तो काफ़ी सारे एड्स आप लोगों को देखने को मिल जाती है यहाँ पर, देख सकते हैं यूटिलिटीज़ में काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल गई है और भी यहाँ पर एड्स देखने को मिलने वाली है। टेंशन मत लीजिए, स्टेबल में बीटा में तो बहुत पहले ही मिल गई, स्टेबल में देखने को मिली है। कैमरा में अगर ओपन करके गाइस मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो कैमरा में हम लोगों को नई फीचर्स देखने को कुछ नहीं मिली है। वीडियो में लेकर अगर दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, तो अभी भी 4K की सपोर्ट देखने को नहीं मिली है। हाईएस्ट रेजोल्यूशन फुल HD 1080p 30fps देखने को मिलती है। चेंज लॉक की गाइस बात कर लेते हैं, तो एंड्रॉइड के सिक्योरिटी पैच ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया, ओरियो से पाई में हम लोग स्विच कर चुके हैं, मी ओएस में अपडेट हो चुकी है, मी पे एप्लीकेशन ऐड हो चुकी है। इसके अलावा गाइस मुझे और भी कुछ चेंज देखने को नहीं मिली। अगर आप लोग पूछ रहे हैं डार्क मोड की फीचर देखने को मिली है, नहीं गाइस डार्क मोड की फीचर देखने को नहीं मिली है। मैं डिस्प्ले में लेकर आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप लोगों को कोई भी डार्क मोड की ऑप्शन देखने को नहीं मिली है। जबकि चाइना में 10.3 की सीरीज में ऑलरेडी मिल गई है, अब उसे एक्टिवेट करने के लिए एप्लीकेशन गूगल मैसेजर को इंस्टॉल करनी पड़ेगी। और बाकी गाइस सब कुछ मुझे नॉर्मल देखने को मिल रही है, ज़्यादा कुछ इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिली क्योंकि मैं बीटा यूज़ करता हूँ, बीटा में नए नए फीचर देखने को मिलती है। इस वजह से स्टेबल में ज़्यादा कुछ आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। अगर सिक्योरिटी में ले आकर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ गाइस, तो सिक्योरिटी में हम लोग को नई चीज़ देखने को मिल जाएगी। तो गेम बूस्टर में अगर जाते हैं गाइस हम लोग, तो गेम बूस्टर में अभी भी हम लोग को पुरानी UI देखने को मिलती है, लेकिन आप लोग ऐप लॉक में जाएंगे तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग को फेस ऐप लॉक की फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल गई। यानी हम लोग अपने किसी भी एप्लीकेशन को ऐप लॉक में अगर रखें तो अपने फेस से उसे अनलॉक कर सकते हैं। ये फीचर्स आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी इस अपडेट में 10.3 की सीरीज में। और सेटिंग में गाइस मैं दिखा देता हूँ, तो देख सकते हैं फेस अनलॉक वाली फीचर ऑप्शन देखने को मिल गई है। और गाइस फेस लॉक में आप लोगों को एक और फीचर देखने को मिल जाएगी, स्टे ऑन लॉक स्क्रीन आफ्टर अनलॉकिंग। तो अगर हम लोग लॉक स्क्रीन में जाते हैं, अपने फोन को फेस से अनलॉक करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग को फोन अनलॉक हो चुकी है, यहाँ पर आपको टिक की इमोजी देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये फोन हम लोग तब तक अनलॉक नहीं होगी जब तक इसे हम लोग मैनुअली अनलॉक नहीं करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर टिक देखने को मिलेगा, लेकिन अगर फिंगरप्रिंट से मैं अनलॉक करूंगा तो फिंगरप्रिंट से अनलॉक नहीं होगी, जबकि ये फीचर हम लोग को बीटा में देखने को मिल गई है। तो बीटा में हम लोग स्वाइप अप करके भी अनलॉक कर सकते हैं और फिंगरप्रिंट से भी अनलॉक कर सकते हैं, लेकिन स्टेबल में भी हम लोग सिर्फ स्वाइप अप ही का ऑप्शन देखने को मिली है। स्टेबल में काफी पीछे रहती है, लेकिन इसमें स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। तो यही फीचर्स गाइस आप लोगों को इस अपडेट में देखने को मिलेगी। बाकी आपका कोई भी सवाल है, डाउट है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, आपके सवालों का जवाब मैं दे ही देता हूँ किसी ना किसी वीडियो में। फुल रिव्यू की वीडियो भी जल्दी आने वाली है, तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिए। तो अभी के लिए गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।